जयपुर दिल्ली हाईवे स्थित बनीपुर चौक पर केहिन फाई कंपनी है जो मारुति के पास बनाने का काम करती है। यहाँ काम करने वाली महिला कर्मचारियों ने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब बाहर से जापानीज कंपनी में विजिट करने आते हैं तो कंपनी अधिकारी उन मेहमानों के साथ कमरे में रहने की बात करते हैं। ये बात ना मानने पर उन्हें कंपनी के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, साथ ही गेट पर कटीली तारे भी लगा दी गयी। और मैं इस कंपनी में 15 साल से जॉब कर रही हूँ और हमारे साथ 200 लड़कियां हैं जो यहाँ पे परमानेंट हैं 15 साल से। कंपनी के साथ हमारा एक साल से समझौते पे बात चल रही है जो डीएलसी के पास अभी विचाराधीन है। डीएलसी साहब के पास आज की हमारी तारीख थी। कंपनी ने हमें सभी को गाड़ियों से बुलवाया और हमें अंदर ना जाने की अनुमति दी गई है। हमारे लिए बैरियर लगा रखे हैं, पुलिस तैनात कर रखी है, पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद है। हमारी कोई सुनवाई नहीं है और सभी महिला कर्मचारी खुले में ही परेशान हो रही हैं। वॉशरूम भी जाना, उनको हर तरीके की प्रॉब्लम है, अच्छी तरह परेशान करते हैं। एक एक लड़की को अंदर बुला के उसे ये कहते हैं जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, हमारे जापानीज के साथ आपको सोना पड़ेगा, ये चीज बोल रखी है इन लोगों ने। इतना परेशान कर रखा है, बाहर से जो विजिटर आते हैं उनके साथ हमें बिठाते हैं। हमारे तीनों एचआर के अधिकारी हैं श्रीवास्तव प्रदीप और महिपत सर। दो ही हुई है जी, तीसरा को श्रीवास्तव सर जी, राजेश श्रीवास्तव है उनका नाम, प्रोडक्शन हेड है। तो ये कितने दिन से आपको प्रॉब्लम चल रही है? ये हम सर एक साल से परेशान हो रहे हैं, हमारा एक साल हो गया कंटिन्यू। कंपनी की खुद ने किया है, लड़कियों को पिकअप पॉइंट पे गाड़ी भेजी है, वो सुबह 4 बजे उठ के अपना खाना वाना बना के बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करके घर से आई है, गाड़ियां भेजी यहाँ पे। लड़कियां आई तो उनको एक फॉर्म दिया गया गेट पे, उसमें लिखा गया कि हमें जो हम जो बोलेंगे आपको वो करना पड़ेगा। अगर हमने आपको बोला कि कपड़े निकालने हैं तो निकालने हैं और इस पे साइन करो तो अंदर लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। लड़कियों ने साइन करने से मना कर दिया, जैसे ही मना किया तुरंत ये लगा दिए तार वार, गेट बंद कर दिया, ताला लगा दिया। ऐसे मतलब कंपनी खुद कि वो हमारी हेल्प करे, बाकी ऐसा कुछ है नहीं वो कि हमारी हेल्प करे, ना कोई सुनवाई है। यही कसौला थाना एसएचओ भी है, कसौला थाना की लेडीज पुलिस भी खड़ी हुई है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बात हमारी नहीं सुनी है। पिछले 15 वर्षों से 200 से ज्यादा महिला कर्मचारी यहाँ परमानेंट काम कर रही हैं, लेकिन उनकी लंबित मांगों को लेकर कंपनी और कर्मचारियों के बीच समझौते पर बात चल रही है जो डीएलसी के पास विचाराधीन है। कंपनी प्रबंधक ने बात करने के लिए कर्मचारियों को बुला तो लिया, लेकिन गेट पर पहुंचने के बाद उन्हें कंपनी के अंदर नहीं आने दिया। मैनेजमेंट का जो ना एग्रीमेंट के बारे में कोई बातचीत है, वो भी इनकी बातचीत चल रही है, जैसे भी इनका होगा। ये तो सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। तो एक मैटर है, अभी जो दरखास्त दी है उसके बारे में जांच करेंगे, जांच के बाद जैसा भी सामने। कर्मचारियों को रोकने के लिए कंपनी द्वारा पुलिस बल भी भारी मात्रा में तैनात कर दिया गया है। महिला कर्मचारियों का ये कहना है कि कंपनी अधिकारी लगातार उनका शोषण कर रहे हैं जो वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। रेवाड़ी से मोहिंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी।